विदिशा जिले के लटेरी में सरकारी स्कूल में बांटी जाने वाली किताबें कबाड़ की दुकान में मिल रही हैं। यानी सरकारी स्कूल में जिन किताबों को होना चाहिए वो कबाड़ की दुकान में है। स्कूल के चौकीदार ने किताबें कबाड़ की दुकान में बेची थी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सूचना मिलने के बाद SDM को कहा कि आप तुरंत जाइए वहाँ पर। इसके बाद नायब तहसीलदार हेमंत अग्रवाल और BEO ने कबाड़ की दुकान से किताबों को जब्त किया। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी स्कूल की किताबों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर किताबों को जब्त किया गया। और आपको ये भी बता दें कि ये किसी पुराने सत्र की किताब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं 2022-23 सत्र की हैं या फिर 21 और 22 सत्र की हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो देखा कि 2024 और 25 के सत्र की किताबें हैं। जब किताबों को लटेरी के VRC को सौंप दिया गया, कबाड़ दुकान के संचालक से पूछताछ की जा रही। यानी इन लोगों ने कबाड़ के भाव में इन किताबों को तो दे दिया जो सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलती है, लेकिन उन बच्चों को देना मुनासिब नहीं समझा जो पढ़ते लिखते समझते इस किताब में क्या लिखा है, उनको नहीं दिया। माननीय SDM साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उस क्रम में नायब तहसीलदार साहब के साथ उपस्थित होकर आनंदपुर रोड पर एक रद्दी की दुकान पर एक थैले में कुछ किताबें पाई गई हैं। VRC जी को बुलाकर, जो कक्षा 1 से 8 की हैं, VRC जी को बुलाकर मौके पर पंचनामा बनाकर उनको सुपुर्द कर दिया।